आयत, क्या हुआ है? यार मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई है। किस वजह से? वो होते हैं रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी, सुना था रिएक्शन वीडियो पे स्ट्राइक नहीं आती। लेकिन सुबह मैं उठी हूँ, सहरी कर रही थी, सहरी करने के बाद मैंने देखा नया तोहफा मिला हुआ था मुझे, स्ट्राइक आई हुई थी। तो इसमें देख, टेंशन वाली कौन सी बात है? दिखाओ तो कौन सी वीडियो पे आई है? यार स्ट्राइक रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। आओ मैं दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो ये स्ट्राइक आई हुई है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे। अगर मैंने ठीक ना दिए तो ये फिर से हो जाएंगे। अब ये मसला है कि मैं इनके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कैसे दूँ। तो इसके लिए इसका जो क्वेश्चन है ना, हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद कॉपीराइट स्कूल, मतलब कि हमारे पास इन्होंने जितने भी ये किस किस नाम से है, कॉपीराइट स्कूल के नाम से है ना, तो हम लोग कॉपीराइट स्कूल पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। ये हमारे पास कॉपीराइट स्कूल्स आंसर्स, ठीक है। जो भी हमारे पास आंसर्स देख लेते हैं, 2021 का ये है और 2019-20 ये दो हैं, इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। हाँ इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से ढूंढती हूँ ना अब, क्योंकि वैसे तो हमें नहीं पता कि इनके आंसर कौन से, इनकी वीडियो भी दी हुई है ना, तो हमें इस वीडियो से भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कंप्लीट इनकी वीडियो देखी है तो मुझे समझ नहीं आया यहाँ से। खैर मैं अपना क्वेश्चन कॉपी करती हूँ, ढूंढती हूँ उनसे। अच्छा यहाँ पे जाके देखती हूँ। हो जाएगा ठीक ठीक है, इंशाल्लाह। परेशानी वाली कौन सी बात है? ये एक क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, इफ इंटेंशन फाइल फॉल फॉल्स नोटिस ऑफ कॉपीराइट यूट्यूब वीडियो जस्ट फॉर फन, ठीक है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका हमने आंसर जो है देख लिया है, क्या इसका ट्रू है? हालांकि तो हमारे उधर भी ठीक हो जाए। अच्छा अभी कितने रह गए? चार चार क्वेश्चन है ये टोटल। अभी हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है ये भी क्वेश्चन में मिल गया है, ये देखो। तो आसानी से क्रेडिट तो टू मिल द गया यार, क्रेडिट तुम इन इतनी योर वीडियो परेशान हो डिस्क्रिप्शन। गई। नहीं मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, मुझे वहाँ से कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ यूट्यूब वीडियो से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हर कोई बकवास कर रहा है, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ से। ये इसका क्या है? फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन साथ साथ लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। ट्राई योर वीडियो डिस्क्रिप्शन कॉपीराइट, ठीक है। यही हमारे पास जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यार मैं सुबह से इतने टेंशन में हूँ ना, मतलब सहरी के बाद मतलब सोता है मुझे, वो नींद भी नहीं आई सहरी के बाद भी। जब भी इतनी सुबह सुबह उठ गई थी। हाँ इसलिए मैं इतनी टाइम से उठ गई हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन भी मिल गया है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर आर रिमेक्स और मैश कॉपीराइट, ठीक है। इसके क्या है? फॉल्स। अल्लाह करे तो हो जाए सही सारा। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी, इतनी ज़्यादा ना, बहुत। इन क्वेश्चंस को सबको मैंने कॉपी कर रही हूँ। अच्छा रिएक्शन वीडियो पे ऐसे होता तो नहीं है? हाँ पता नहीं क्यों ये रिएक्शन वीडियो पे, मतलब जिसकी वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था ना, उसने खुद ने कर दिया उस बंदे ने, कि मेरी वीडियो पे रिएक्शन क्यों दिया है। एनीवन कैन इशू कॉपीराइट क्लेम टू बिहाफ ऑन समवन एल्स, फॉल्स। ठीक है ये मेरे पास आ गया, फॉल्स। चले अल्लाह का नाम पढ़ के हम आगे चलते हैं। आंसर्स, हम आंसर्स चेक करते हैं, ये क्या कहते हैं, हमने ठीक लगाए या नहीं। फोर क्वेश्चन, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड का आंसर करेक्ट है, थर्ड का आंसर करेक्ट है, फोर्थ का आंसर क्या है? करेक्ट है, ठीक है, शुक्र ये तुम इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान थी। यार मैं इतने ज़्यादा परेशान थी ना सुबह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक जो थी, कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन आस्क टू यू टू टेक डाउन योर वीडियो बिकॉज दे बिलीव इट कंटेंट मटेरियल दैट द कॉपीराइट। अच्छा जी अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। ये मेरी वीडियो थी जिस पे मेरे पास स्ट्राइक आई हुई थी। सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन।
अभी हम इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट क्लेम सबमिट। अच्छा यार, दोनों में से कोई भी करें ना तो हमें बहुत इशू हो जाता है यहाँ से, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये है रिक्वेस्ट, ठीक है हम है इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लर्न मोर पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट आ गया है रिट्रैक्ट अ क्लेम ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इफ़ यू सबमिट अ टेक डाउन रिक्वेस्ट इफ़ यू कॉन्टेंट वॉज टेक डाउन, ठीक है। हमने सबमिट करवाना है या हम जो है इफ़ योर कॉन्टेंट वॉज टेक डाउन, तो हमने इसमें सबमिट करेंगे तो इसमें ये हमें ईमेल मिल गई है, हमने ईमेल को कॉपी करेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो हमारे पास ईमेल है हमने ये लेनी है, यहाँ से आके हमने इस ये जो हमारी ईमेल आईडी है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने अपने ईमेल्स में जाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने जीमेल में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइक आई हुई होगी। खैर हमें उस स्ट्राइक से कुछ नहीं करना, हमने इसका ये देखिए यूट्यूब की मेरी तरफ ये जो है ना स्ट्राइक आई हुई है। खैर हमने कंपोज पे जाना है, इनसे एक रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। ये हमारी ईमेल है जिसे हमने भेजना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक मैसेज लिखना है, मतलब मैसेज क्या लिखते हैं, मतलब हमने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। तो वो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखना है या जो रिक्वेस्ट इनसे करनी है, ये मैंने इधर लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप में से किसी को ये ज़रूरत हो तो आप लोग भी यहाँ से ले सकते हैं। इससे मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है कंप्लीट एक टेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट मैंने इसका दे रखा है कॉपीराइट स्ट्राइक का। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने कहा डियर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो वीडियो टाइटल, वीडियो टाइटल इसलिए लिखा है कि आप लोगों की वीडियो का जो भी टाइटल होगा, आपने अपने वीडियो का जो भी नाम रखा होगा, तो वो यहाँ से जो है हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो मैं जाती हूँ अपने यूट्यूब पे डैशबोर्ड पे, इसके ना डैशबोर्ड पे या इसके कंटेंट में चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो कंटेंट है चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारी एक वीडियो है जिस पे आई है स्ट्राइक, ये वीडियो है हमारी, ठीक है। इसे हम ओपन करते हैं। वीडियो टाइटल, हमने वीडियो का टाइटल क्या दिया, ये टाइटल दिया था वीडियो का, इसे हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे जो वीडियो टाइटल है इसकी जगह हमने ये अपना टाइटल दे देना, ठीक है, जो भी आपकी वीडियो का टाइटल होगा। और इसके बाद आपने कंप्लीट इसे पढ़ लेना है, अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियो अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, इट्स माय मिस्टेक दैट आई अपलोड वीडियो ऑन माय चैनल, फॉर दैट आई एम रियली अपोलोजाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू रिट्रैक्ट द क्लेम, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है वीडियो यूआरएल, ठीक है। हमारी वीडियो का जो है वो यूआरएल कौन सा है, तो हमने दोबारा उस वहीं पे जाना है, इसे कॉपी करना है, ठीक है। ये हमारे वीडियो का यूआरएल है, तो ये अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने और थैंक यू, फिर योर नेम, आपका जो भी ओरिजिनल नेम होगा आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट स्ट्राइक जो के लिए जो रिक्वेस्ट थी वो लिखी है, यहाँ पे आपका जो भी ओरिजिनल नाम होगा वो आपने लिखना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ पे हमने अपना कंटेंट जो था वहाँ पे वो भी डाल दिया, इसका टाइटल जो था वो डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, ओरिजिनल नाम डाल दिया, अभी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, एरर क्यों आ रहा है। अच्छा ये हमारी सेंड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने डॉट लगा रखा है, ये देखिए इसके साथ ना ये स्ट्राइक के बाद डॉट है, हम ये डॉट रिमूव कर देते हैं, अब सेंड करते हैं। अब जो है ये हमारी ये देखें जो
जो है हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो गई है। अब भी हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा इनका। ठीक है, ये हमने इनको कर दिया। ये हमें YouTube की तरफ से एक और ईमेल आ गई है। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, YouTube कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट रिसीव वी हैड टू टेक योर वीडियो फ्रॉम YouTube वीडियो दैट रन एट जस्ट वन कॉल। अच्छा ठीक है, ये उन्होंने हमारे वीडियो का नाम बताया, ये टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, और दिस मीन दैट वीडियो कैन नो लॉन्गर बी प्लेड ऑन यूट्यूब यू रिसीव कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, इस चीज़ पे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, वो सारा उनका आया हुआ है। अब इसका ये जिन्होंने हमें मेल भेजे इसका मकसद यही है कि वो यूट्यूब वाले कहते हैं कि हम लोग जो है ना इसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो बंदा जो है खुद परमिशन नहीं देता, तो तब तक ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो सकती। अब देखते हैं वो बंदा हमें कब परमिशन देता है, हमारी स्ट्राइक ख़त्म होती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, चल के वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। वन ऑफ थ्री, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्राइक हो गई थी। ये एक वार्निंग जो है ये मेरे पास कब आई थी, 1 सितंबर 2020, ये 2020 में आई थी। अभी दूसरी जो है मैंने अभी स्ट्राइक का जो भेजा है तो वो हमारी रिमूव हो गई है यहाँ से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 1 of 3, मतलब दूसरी आई थी वो हमारी जो है ख़त्म हो गई है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं फिर ये वीडियो जो है दोबारा आती है हमारी या नहीं आती। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग क्लास में मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ करें कि मेरी वीडियो जो है वो वापस आ जाए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। यार बहुत मुश्किल है, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखी जहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है ताकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह इस सिचुएशन से गुजरते हैं। मैंने तो वो रियल करके दिखाया जो मेरे यूट्यूब पर खुद मुझे स्ट्राइक आई हुई थी। ठीक है, आप लोग अगर करना चाहें तो लास्ट में करें, इनशाला आप लोगों की स्ट्राइक जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को भी दिखाया कि मेरे पास ये एक स्ट्राइक है, 2020 में आई थी, उस टाइम मुझे नहीं पता था स्ट्राइक को रिमूव कैसे करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी तो उसके बाद मैंने रिमूव की तो वो रिमूव नहीं हुई थी तब। तो आज मैंने आप लोगों के सामने की है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।